इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, महामंत्री विजेंद्र जैन कोषा अध्यक्ष शेखर जैन, प्रधान चक्रेश जैन, सचिव नीरज जैन, मंदिर मैनेजर पुनीत जैन। भारत की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर क्षेत्र का अति प्राचीन और अतिशयकारी है। मंदिर जी के बारे में बताया जाता है, सन 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासन में सैनिक रामचंद्र को झाड़ियों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा प्राप्त हुई, और ये वही प्रतिमा थी जिसे रामचंद्र अपने स्वप्न में देखा करता था। प्रतिमा मिलने के बाद रामचंद्र ने अपने घर में विधि विधान से प्रभु को विराजमान कर श्रद्धा भाव से नियमित पूजन अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु पूजा करने के लिए शाहजहां के अन्य सैनिक भी वहां आने लगे और पूजन एवं नगाड़े के साथ आरती करने लगे। सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया था। इसके बाद सन 1878 में इस मंदिर का लाल पत्थरों से नवीनीकरण किया गया, तभी से ये लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शहर के बीचों बीच बसा ये मंदिर आज भी जैन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर जी में आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ के साथ अन्य जैन प्रतिमाओं के दर्शन कर अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैन धर्मावलंबी प्रतिदिन श्रद्धा भाव से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, पूजन एवं दर्शन कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भारत के राजधानी दिल्ली में सबसे प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर लाल मंदिर है। लाल किले के सामने, लाल किले के समय में बना हुआ यह मंदिर जैन धर्म के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत के देशना देने वाले ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का यह मंदिर है, और इसमें 2400 भगवानों के मूर्तियां विराजमान हैं, और पूरे देश से, विदेश से जैन जैनेतर लोग यहां दर्शनार्थ आते हैं। भगवानों ने, 24 तीर्थंकरों ने विश्व कल्याण का उपदेश दिया और स्वयं उस मार्ग में चले, उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये शांति धारा करते हैं। महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो उठने वाले विचार हैं वो व्यक्ति को अशांत कर देते हैं, और उसको शांत करने के लिए ये शांति धारा ध्यान का काम करता है। एकाग्र चित्त होकर के देखते हैं तो मन एकाग्र होता है, तन मन चेतन को आनंद और शांति का लाभ मिलता है। महानुभाव, मेरा मंगल आशीर्वाद है कि सभी लोगों को शांति धारा देखना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए। यही यहाँ के पंचायत के ट्रस्टी लोगों को, सभी लोगों के लिए मेरा मंगलमय आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव्य द्रव्य नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलेन जिन्हें विशेषयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधि रूपकैः स्नप्यामि प्रतिमायां जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतन जलेन स्नप्यामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतन जलेन स्नप्यामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतन जलेन स्नप्यामः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेषिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय सुखाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धने फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम अतिकामम रतिकामम अग्निम क्रोधम
सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमन्त्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुल्ममारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेतालशाकिनीभयम सर्ववेदिनीयम सर्वमौनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मडम्ब पत्तन द्रोणमुख संवाहनंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुखम हन हन दहदा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगोत्र धनधान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूज्य मलि वर्धमान पुष्पन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। इत्येन मंत्रेण नवग्रहाणां शांत्यर्थं गंधोदक धारा वर्षणम। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृच्छ द्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रहसि आउसा रहम नमः। सर्व शांतिम कृकृ वशट पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टक कथन वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महसा महसाम निधानम। ओम रीम अभिषेकांते वृषभादि वीरांतेभ्य अर्घ्यम निर्वपामिति। भारत की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर क्षेत्र का अति प्राचीन और अतिशयकारी है। मंदिर जी के बारे में बताया जाता है सन 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासन में सैनिक रामचंद्र को झाड़ियों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा प्राप्त हुई और ये वही प्रतिमा थी जिसे रामचंद्र अपने स्वप्न में देखा करता था। प्रतिमा मिलने के बाद रामचंद्र ने अपने घर में विधि विधान से प्रभु को विराजमान कर श्रद्धा भाव से नियमित पूजन अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु पूजा करने के लिए शाहजहां के अन्य सैनिक भी वहां आने लगे और पूजन एवं नगाड़े के साथ आरती करने लगे। सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया था। इसके बाद सन 1878 में इस मंदिर का लाल पत्थरों से नवीनीकरण किया गया। तभी से ये लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शहर के बीचों बीच बसा ये मंदिर आज भी जैन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा मंदिर जी में आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ के साथ अन्य जैन प्रतिमाओं के दर्शन कर अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैन धर्मावलंबी प्रतिदिन श्रद्धा भाव से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, पूजन एवं दर्शन कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषा अध्यक्ष शेखर जैन, प्रधान चक्रेश जैन, सचिव नीरज जैन, मंदिर मैनेजर पुनीत जैन।